नमस्कार दोस्तों, एसएसयू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली कोशिश कर रहे हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लिए अपडेट देने का, और कल के लिए आपको ट्रेडिंग के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी शॉर्ट में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक्स, फाइव पैसा, एंजल ब्रोकिंग, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया ऑफर चल रहा है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसा कल हमने बताया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रिकवरी दिया था और वापस करेक्ट हुआ था। आज के दिन वापस बैंक निफ्टी मूव हुआ है, ओपन हुआ है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड करते हुए यहाँ पे काफ़ी समय बिताया है, 35,700 टू 35,800 के आसपास, 35,900 के आसपास, और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया है और मूवमेंट देके 36,000 अभी ये यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। इस रेंज में पूरा फुल डे इस रेंज में कंसोलिडेट किया है और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। तो कल प्रोबेबली यहाँ कहीं खुलता है तो भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ कहीं खुलता है तो भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, और इधर ऊपर कहीं खुलता है तो आपको वेट एंड वॉच, रिट्रेस होने को वेट करना है या इस लेवल को तोड़ने का वेट करना है, तभी आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ जो क्लोज हुआ है उसके आसपास खुलता है तो बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डीप में मिलता है तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अभी 35,700, 35,500 एक अच्छा स्ट्रांग बेस बना हुआ है, और ऊपर बैंक निफ्टी में काफ़ी समय से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है और ब्रेकआउट अवेटेड है, और ऊपर अगर ये 35,350 क्रॉस करता है तो एक अच्छी रैली यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। कल के दिन 300 टू 500 पॉइंट्स वहाँ से ऊपर में हमको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी में ये हमारी राय है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो एक सिंगल लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन डाटा में दिखता है और वो है 36,000 का। यहाँ पे ये 36,000 का कॉल है, यहाँ पे 36,000 के कॉल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर सभी बैठे हुए हैं, और जैसे ही ये 36,000 क्रॉस करेगा यहाँ पे एक ज़बरदस्त रैली आएगी दोस्तों। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी आज के दिन काफ़ी बढ़िया रेंज में, और हमने इसको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इसमें ट्रेडिंग आइडिया में भी हमने ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू डाला था, और एक कल हमने बताया था यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, तो कल यहाँ पे था, आज ये निफ्टी ओपन होके थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, वापस यहाँ से वापस ऊपर गया और पूरा दिन भर एक रेंज में कंसोलिडेट करके आज हाईएस्ट लेवल में जाके क्लोज हुआ है। आज का निफ्टी ने जो हाई बनाया है लगभग 16,375 के आसपास का हाई आज के दिन निफ्टी ने बनाया, तो ये काफ़ी अच्छा ऑल टाइम हाई है, अगेन नया हाई है, और अभी ये यहाँ पे हमने मार्क करके लेवल रखे है, ये कल के लिए सपोर्ट रहेगा 16,300 का नीचे अगर ब्रेक होता है तो वहाँ डाउन साइड देखने को मिल सकती है थोड़ा, और ये 16,400 अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छी रैली वहाँ से 80 से 100 पॉइंट की रैली अपने को देखने को मिल सकती है। तो ये निफ्टी की राय है दोस्तों, ओपन कहाँ होता है उसको ध्यान में रखिए, इस लेवल पे उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइंग का इनिशिएट, जैसे 16,400 क्रॉस करेगा उस टाइम में आप बाय कर सकते हैं, या यहाँ पे डाउन साइड में कहीं ओपन हो गया तो यहीं पर आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है दोस्तों, तो इसको आप वॉच में रखिए। तो ओपन कहाँ होता है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, और इसके नीचे आपको जाता है तो उसके बाद वापस से जो बेस बना हुआ है 16,200 का वहाँ तक जा सकता है दोस्तों, लेकिन फिलहाल उसकी प्रोबेबिलिटी कम दिखती है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा रुझान दिख रहा है दोस्तों जिस टाइप का चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर
ये 16,300 के पुट के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स खड़े हैं, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल्स को होल्ड करेगा निफ्टी। तो यही कल के लिए व्यू है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।